वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। आज किस पे डिस्कस करेंगे? स्केलेटल सिस्टम में अपन जो वर्टिकल कॉलम है उनके बारे में क्या है अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ligaments of the vertebral column में क्या है? These ligament hold the vertebra together and help to maintain the intervertebral disc in position. ligament क्या करते हैं? The ligament hold the vertebra together and help to maintain the intervertebral disc in position. जो ligament है वो क्या करते हैं? Hold करके रखते हैं किसको? Vertebra को, ठीक है? और help to maintain क्या करते हैं? Help करते हैं किसमें? Maintain to intervertebral disc in the पोजीशन। जो डिस्क जो पोजीशन जो है उसके अंदर क्या है ये मेंटेन रखते हैं उसको। द ट्रांसवर्स लिगामेंट मेंटेन द ऑनट्रेड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस इन द करेक्ट पोजीशन इन द रिलेशन टू द एटलस। जो ऑनट्रेड प्रोसेस है वो क्या करता है? एक्सिस और जो एटलस है उनकी क्या है? करेक्ट पोजिशन में उनको उनके रिलेशन को बना के रखता है। द एंटीरियर लैटरल लिगामेंट एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द कॉलम एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। द एंटीरियर जो लिगामेंट है वो क्या एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द कॉलम एंड लाइज इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर लैटरल लिगामेंट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कैनाल एंड एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन। लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट होल्ड करके रखते हैं किसको? वर्टिब्राज को। और उनके जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो है उनको क्या है? मेंटेन करके रखते हैं, उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो क्या करता है? लिगामेंट मेंटेन द ऑनट्रेड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस इन द करेक्ट पोजीशन इन रिलेशन टू द एटलस। जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो क्या करता है? अपनी जो फर्स्ट और सेकंड जो बोन है वर्टिब्रा की, एटलस और एक्सिस है, इनकी जो पोजीशन है करेक्ट पोजीशन है उसके अंदर इनको क्या है? मेंटेन रखता है। द एंटीरियर लैटरल लिगामेंट एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द कॉलम एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर लैटरल लिगामेंट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कैनाल एंड एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन। द लिगामेंट कॉन्टेक्ट द लेमनी ऑफ द एडजेंट वर्टिब्रा। द लिगामेंट नेच एंड द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट कॉन्टेक्ट द स्पाइनस प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल टू द सेक्रम। नेक्स्ट है कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो कर्व जो है वो क्या कैसे होती है? व्हेन व्यू फ्रॉम द साइड द वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट फॉर कर्व टू प्राइमरी एंड टू सेकेंडरी। द फीटस इन यूट्रस लाइज कर्व अप सो दैट द हेड एंड द नी आर मोर और लेस टचिंग द पोजिशन ऑफ द प्राइमरी कर्व। द सेकेंडरी सर्वाइकल
सर्वाइकल डेवलपमेंट व्हेन द चाइल्ड कैन होल्ड अप द हेड आफ्टर अबाउट 3 months एंड द सेकेंडरी लंबर कर्व डेवलप व्हेन द स्टैंड अपराइट आफ्टर 12 to 15 months. थोरेसिक एंड द सेकेंड प्राइमरी कर्व आर रिटेन्ड. तो कर्व क्या है, बेबी जो है वो कर्व में कैसे रहता है. वेन व्यू फ्रॉम द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट 4 curves, चार कर्व होते हैं, 2 primary and 2. चार क्या है कॉमन जो है वो क्या है कर्व प्रेजेंट होते हैं, 2 primary होते हैं और 2 क्या है सेकेंडरी होते हैं. द फिटेस इन द यूटरस लाइज कर्व अप सो दैट द हेड एंड नी आर मोर लेस टचिंग दिस पोजिशन दो सो द प्राइमरी कर्व. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं अपने, जिसमें प्राइमरी में क्या होता है जो फिटेस का हेड है और नी है वो क्या है दोनों के दोनों क्या कर्व में होते हैं और उसकी जो टचिंग है वो लेस टचिंग होती. नेक्स्ट है सेकेंडरी कर्व. सेकेंडरी सर्वाइकल कर्व डेवलप व्हेन द चाइल्ड कैन होल्ड अप हिज हेड, जब वो अपना बच्चा जो हेड को अप करने लग जाता है, होल्ड करने लग जाता है आफ्टर अबाउट 3 months, कब 3 महीने बाद. एंड द सेकेंडरी लंबर कर्व डेवलप व्हेन द स्टैंड अपराइट आफ्टर 12 to 15 months. और जो सेकेंडरी जो लंबर कर्व है वो कब डेवलप होता है, व्हेन द स्टैंड अपराइट 12 से 15 महीने बाद क्या है सेकेंडरी कर्व वो है स्टार्ट होता है. थोरेसिक एंड द सेक्टोरल प्राइमरी कर्व आर रिटेन्ड. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. मूवमेंट क्या होते हैं, द मूवमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर वेरी लिमिटेड. जो मूवमेंट्स हैं वो क्या है इंडिविजुअल बोन के वो क्या है बहुत लिमिटेड होते हैं. हाउएवर द मूवमेंट ऑफ द कॉलम एज ए होल आर क्विट एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड फिक्सेशन एक्सटेंशन लेटरल फिक्सेशन एंड रोटेशन. मूवमेंट्स कौन से होते हैं, फ्लेक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया. ठीक है, ये क्या है मूवमेंट्स होते हैं इनके. देयर इज मोर मूवमेंट इन इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन देन तो जो मूवमेंट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के वो क्या है लिमिटेड होते हैं. ठीक है, मूवमेंट्स कौन से होते हैं एज हु आर क्यूट एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड फिक्सेशन बैंडिंग फॉरवर्ड. ठीक है, बैंडिंग बैकवर्ड को क्या बोलते हैं अपन एक्सटेंशन, लेटरल फिक्सेशन क्या बैंडिंग टू द साइड एंड रोटेशन. देर आर मोर मूवमेंट इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम द इंक्लूडिंग द फॉलोइंग क्या फंक्शन कौन से हैं. कलेक्टिवली द वर्टिब्रल फोरामिना फॉर्म द वर्टिब्रल कैनाल विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन फॉर द डिलेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड एंड लाइंग. जो क्या है वर्टिब्रल जो कॉलम है वो क्या करते हैं वर्टिब्रल कॉलम कलेक्टिवली द वर्टिब्रल फोरामिना फॉर्म द वर्टिब्रल कैनाल क्या बनाते हैं वर्टिब्रल कैनाल बनाते हैं विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन. जो क्या करती है एक स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फॉर द डिगेट स्पाइनल कॉर्ड लाइंग विद इन इट. द पेंडिकल्स ऑफ द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा फॉर्म इंट्रावर्टिब्रल फोरामिना
one on each side, providing assist to the spinal cord for spinal nerve, blood vessels and lymph vessels. The pedicles हैं वो क्या हैं? Pedicles of the adjacent vertebra form the intervertebral foramina on one each side, providing assist the spinal cord for spinal nerve, blood vessels and lymph vessels. The numerous individual bone enable in a certain amount of movement. It support the skull. क्या करता है? Skull को support करता है, support provide, supporting रखता है, उसको support देता है. The anterior vertebral disc act as shock absorb protecting the brain. और जो intervertebral disc है वो क्या है? Shock को absorb कर लेती है और क्या करती है? Protect करती है. It form the axis of the trunk, giving a attachment to the ribs, shoulder, bridge and upper limb and the pelvic grid and lower limb. Rib से क्या attachment provide कराते हैं, ठीक है? और जो shoulder है उसको क्या है? Upper shoulder grid है और जो अपना upper limb है उनको pelvic और lower limb से क्या है ये attachment provide करवाते हैं. नेक्स्ट अपना क्या है? थोरेसिक केज. थोरेसिक केज क्या है? थोरेसिक केज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? स्टर्नम होता है, ठीक है, रिब्स होती हैं. तो इसमें क्या है अपना, ये स्टर्नल नोस दिखाया गया है, थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाई गई है, सर्वाइकल नोस दिखाया गया है, बॉडी हो गई स्टर्नम की, जिफर्ड प्रोसेस हो गई, रिप्स हो गई, कोस्टल कार्टिलेज हो गया, ठीक है. ये क्या है आपकी? ट्रू रिप्स हो गई. ये आपकी क्या है? फ्री रिप्स हो गई. और आपकी ये क्या है? फ्लोटिंग रिप्स हो गई. तो आपकी फ्लोटिंग रिप्स कितनी हुई? दो आपकी क्या है? फ्लोटिंग रिप्स हो गई. तीन आपकी क्या है? फॉल्स रिप. थ्री पेयर में क्या आपकी? फॉल्स रिप्स हो गई. और जो सेवन है वो क्या है आपकी? ट्रू रिप्स हो गई. थोरेसिक क्या केज क्या होता है? थोरेसिक केज एक पिंजरे की तरह होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, रिब्स जो है वो क्या है, स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, वो एक केज बना के रखती है, पिंजरे की तरह एक स्ट्रक्चर बना के रखती है.
नेक्स्ट है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर क्या होता है, एक स्टर्नम होता है, ठीक है, 12 पेयर क्या है रिब्स होती हैं, और 12 क्या है थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो थोरेसिक केज जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, थोरेसिक केज के अंदर एक स्टर्नम होता है, 12 पेयर क्या होती है आपकी रिब्स होती है, और 12 क्या है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो ऐसे मिलके क्या है अपना थोरेसिक केज बनता है। थोरेसिक केज को अपन क्या बोलते हैं, द बोन ऑफ द थोरेक्स ऑफ और थोरेसिक केज। जो बोन है कौन सी थोरेक्स की और थोरेसिक केज की, वो मिलके क्या बनाती है, दोनों के दोनों थोरेसिक केज बनाती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज, स्टर्नम आता है एक, 12 पेयर रिब्स की आती है, और 12 क्या है थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। नेक्स्ट है स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। दिस इज फ्लैट बोन कैन बी फ्लैट जस्ट अंडर द स्किन इन द मिड लाइन ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। जो स्टर्नम है वो क्या है, स्टर्नम दिस फ्लैट बोन, ये क्या है फ्लैट बोन होती है, कैन बी फ्लैट जस्ट अंडर द स्किन, क्या है जस्ट अंडर होती है किसके स्किन, इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। द मैंड्रिबुलम इज द अपर मोस्ट सेक्शन एंड आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल्स एट द स्टेनोवेलिकल जॉइंट एंड विद द फर्स्ट टू पेयर ऑफ द रिब्स। द बॉडी और मिडिल पोर्शन गिव अटैचमेंट टू द रिब्स। जब बॉडी है और मिडिल पोर्शन है वो क्या करती है, रिब्स को क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। द जिफर्ड प्रोसेस इज द टिप ऑफ द बोन। जिफर्ड प्रोसेस क्या है, टिप होती है किसकी, स्टर्नम की। इट गिव अटैचमेंट टू द डायफ्राम मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द लिनिया एल्बा। और ये किस किस को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है डायफ्राम को, मसल्स को, मसल्स को किसकी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एंड लिनिया एल्बा, इनको क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्या है अपना डायग्राम दिखाया गया है किसका, एंटीरियर व्यू है जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये क्या आपका एंटीरियर व्यू है किसका, स्टर्नम का, ठीक है। और सेकंड क्या है, एंटीरियर व्यू है किसका, थोरेक्स का जो स्केलेटन है उसका कंप्लीट का दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या है अपनी 12 जो है वो क्या है रिब्स होती है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्व, ये क्या है सारी की सारी आपकी रिप्स दिखाई गई हैं। और ये किससे कनेक्ट रहती हैं, ये अपनी स्टर्नम से क्या है कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। ये कैलकुलर नोच हो गया, क्लेविकल बोन हो गया आपकी, स्केपुला हो गया, स्टर्नल एंगल हो गया, कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये इंटरकोस्टल स्पेस हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी जो है जिफर्ड प्रोसेस हो गई, ये क्या स्टर्नम हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या आपका जुगलर नोच है। तो ऐसे अगर अपन स्टर्नम में देखें तो स्टर्नम में क्या है जुगलर नोच हो गई अपनी, जो जुगलर नोच अपन ने यहाँ देखी थी वही क्या इसका अपर पार्ट है, क्लेविकुलर नोच हो गई, ये जो है क्लेविकुलर नोच है, यहाँ पे भी क्या क्लेविकुलर नोच है, ये स्टर्नल एंगल हो गया, ठीक है। ये बॉडी हो गई और ये क्या है इसकी जिफर्ड प्रोसेस हो गई। तो ये क्या है आपका डायग्राम है, फर्स्ट जो ए डायग्राम है वो क्या है एंटीरियर व्यू है किसका, स्टर्नम का, और सेकंड क्या है थोरेक्स है, स्केलेटल है किसका, थोरेक्स का।
नेक्स्ट आपकी क्या है, रिब्स। देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म द बोनी लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक एंड एंड आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। ये क्या है, 12 क्या है पेयर होती है किसकी, रिब्स की, ठीक है। वो क्या है, बोनी लेटरल वॉल है, किसके साथ कनेक्ट रहती है, थोरेसिक केज के साथ एंड आर्टिकुलेट थोरेसिक वर्टिब्रा, और किसके साथ रहती है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। द फर्स्ट 10 पेयर आर अटैच एंटीरियरली टू द स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज। जो प्रथम 10 है, ठीक है, वो क्या है, किस किसके अटैच रहती है, अटैच एंटीरियरली टू द स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज, किसके द्वारा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, सम डायरेक्टली एंड सम इनडायरेक्टली, जिसमें से कुछ क्या है डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं और कुछ क्या है इनडायरेक्टली रूप से कनेक्ट होती हैं। द लास्ट 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स हैव नो एंटीरियर अटैचमेंट। जो लास्ट जो दो रिब्स होती हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो क्या है, किसी के साथ कोई एंटीरियरली अटैच नहीं रहती। तो टोटल रिब्स कितनी होती हैं, 12 क्या है टोटल रिब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 10 जो हैं वो क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, वो एंटीरियरली स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं, और लास्ट की जो दो हैं वो क्या है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है, जो किसी के साथ एंटीरियरली अटैचमेंट नहीं रखती। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिब्स। द हेड आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द बॉडीज ऑफ टू एडजेंट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड ऑन द ट्यूब्रिकल देयर इज फैक्ट टू दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वन। द स्टर्नल एंड इज अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय ए कोस्टल कार्टिलेज, लाइज ए बोन, लाइज ए बैंड ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। द सुपीरियर बॉर्डर इज राउंडेड एंड स्मूथ वाइल द एंटीरियर बॉर्डर हैज मार्क ग्रोव ऑक्यूपाइड बाई द इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स एंड नर्व। द फर्स्ट रिब्स डज नॉट मूव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। द स्पेस बिटवीन द रिब्स आर ऑक्यूपाइड द इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। वेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द रिब्स एंड स्टर्नम आर लिफ्टेड अपवर्ड द आउटवर्ड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो क्या क्या है इनके, द हेड आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द बॉडी। जो हेड है वो आर्टिकुलेट रहता है किस कैसे, पोस्टीरियरली किसके साथ, बॉडी ऑफ टू थोरेसिक वर्टिब्रा, जो दो थोरेसिक वर्टिब्रा है उनके साथ क्या है उसकी अटैचमेंट रहता है, आर्टिकुलेट रहता है। एंड ऑन वन एंड ऑन द ट्यूब्रिकल देर इज ए फैक्ट दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वन। प्रोसेस कौन सी होती है यहाँ पे, ट्रांसवर प्रोसेस से। द स्टर्नल एंड इज अटैच्ड टू द स्टर्नम बाई ए कोस्टल कार्टिलेज। जो स्टर्नल एंड होता है, स्टर्नल का जो एंड पार्ट होता है वो किस किसके साथ अटैच, कैसे अटैच टू द स्टर्नम बाई ए कोस्टल कार्टिलेज, इसके द्वारा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। द सुपीरियर बॉर्डर इज राउंडेड ए स्मूथ वाइल द इंफीरियर बॉर्डर हैज ए मार्क ग्रोव ऑक्यूपाइड बाई ए बाई द इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स एंड नर्व। द फर्स्ट रिब्स डज नॉट मूव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट जो रिब्स हैं वो क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, मूव नहीं होती। द स्पेस बिटवीन द रिब्स आर ऑक्यूपाई बाई द इंटरकोस्टल मसल्स। जो स्पेस होता है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द रिब्स एंड स्टर्नम आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, अपेंडिकुलर सेक्शन पे। ठीक है, अपेंडिकुलर सेक्शन के बारे में अपन जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।